हेलो गाइस, मैं बोल हेलो गाइस, तेज की बोलो, तेज की बोल बोलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम बोलो, सत श्री अकाल बोलो, सत श्री अकाल आपका बोलो ना, आपका मैं बोलना बोल, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अनाया, मैं हूँ अनाया, अनाया हंस के दिखा दो, नहीं दिखाओगी? अच्छा चलो पोज मार के दिखा दो, पाउड बना के दिखा दो, पाउड बना के दिखा दे, दिखा दे जल्दी दिखा दे, नहीं पाउड बना के दिखा दो, अच्छे वाला ये कौन सा पाउड पोज है? है ये कौन सा है? अनाया यू करो ना, नहीं करोगी ये तो मुझे भगा रही है। अच्छा ना ये किन्ने लगाई? मम्मा ने लगाई। अच्छा किन्ने तैयार करा? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। टॉफी मिल गई। अच्छा हमने टॉफी शो कर दो, इसमें टॉफी शो कर दो, टॉफी दिखा दो हाथ में पकड़ के, ऐसे करके दिखा दिखा। अनाया को गाना भी आता है, गाना आता है अनाया को? अनाया तुम्हें गाना आता है? थोड़ी नहीं, पता ही नहीं। अनाया गाना तो सुना दो, अपनी लैंग्वेज में कह दिया जो भी कहना था ऐसे। अनाया बोलो वाओ, ओह माय गॉड, बोलो ना तेज की बोलो, ओह माय गॉड। अनाया बोलना ओह माय गॉड, गुदगुदी कर दूंगी। ये नहीं खुल रही, अनाया कहाँ पर हो? हेलो अनाया कहाँ पर हो? हेलो तुम बात करो अनाया, तुम बात करो। अनाया कैसी हो? बोलो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। दादी कैसी है तुम्हारी? दादी ठीक है? और गुफरान भाई कहाँ है? चॉकलेट। हाँ चॉकलेट है, चॉकलेट। तुमने क्या करा था बता, बना है तुमने चाची की चॉकलेट खा ली थी? तेज की बताओ, मम्मी को भी सुनाई देना चाहिए कि बोलो मैंने आगे क्या करा था, तुमने क्या करा था? चॉकलेट खा ली थी मैंने। अच्छा अच्छी थी वो? यम्मी थी? यम्मी कैसी थी चॉकलेट बताओ तो, फिर हम चॉकलेट खिलाएंगे तुम्हें। अच्छी थी? यम्मी नहीं थी? यम्मी नहीं थी? यम्मी नहीं थी? अच्छा खाओगी तुम चॉकलेट? खाओगी चॉकलेट? कहाँ पे खाओगी आकर के बता दो।
यहाँ पे खाओगी, यहाँ पे जिप पे खाओगी, जिप पे। कहाँ चल रहा रही हो, कहाँ जा रही हो? इसके अंदर है। ये क्या है? चॉकलेट कैसी होती है? अच्छी होती है। गाना सुनाओ पहले, गाना सुनाओ। नहीं पहले गाने सुनाओ, दिल मेरा पुकारे आ जा। बोल जल्दी बोल। जल्दी नहीं बोलेगी। बोला हैप्पी न्यू ईयर। ये बोलो हैप्पी न्यू ईयर। नहीं बोलो हैप्पी न्यू। बोलो न्यू। वापस को छोड़ के आ जा, कोई वीडियो नहीं बनवाया। तो अभी हम आज का दिन हम लग रहा है न्यू ईयर हमारा पूरा घर में ही बीतेगा। क्या करूं, मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। मैं दिन भर घर में रहती हूँ, लेटी रहती बैठी रहती हूँ या ज्यादा से ज्यादा उठ करके बाहर चली जाती हूँ। वो भी बाहर ज्यादा नहीं, गली में नहीं, घर में ही रहती हूँ। और या तो उठ करके बेड से नीचे उतर जाती हूँ, बेड में लेट जाती हूँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ। जितना मैं करती हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और अभी मैंने लगाया घर में बैठे बैठे, मुझे कुछ सूझा था, मैंने यूट्यूब पे देखा था, वो जूड़े वाली पिन्नी होती है उसकी टिप से लाइनर लगा, उससे लगा तो नहीं, मेरा फूस हो गया सब कुछ। तो फिर मैंने खुद लगाया लाइनर आज पहली बार। वाह, खुद की तारीफ मैं खुद से कर रही हूँ। और सारी बातों को छोड़ के आज हम जा रहे हैं अपने ड्रेस को ड्राई क्लीन पे देने के लिए। चलो देखते हैं ड्राई क्लीन की दुकान आज खुली है नहीं खुली, या फिर वो अंकल भी न्यू ईयर बना रहे हैं अपने घर पे। एक अकेली मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ जो घर में बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। वो ऐसा लग रहा है आज इसके सारे बिजनेस चल जाएंगे, वो आज बिजनेस वूमेन बन जाएगी नंबर वन वाली। आ ही नहीं रही है ना ही फ़ोन पिक कर रही है। चलो देखते हैं, थोड़ी देर उसका वेट करते हैं, अगर आ जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर अकेले चलेंगे। गाइस तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ, जो इससे पहले मैंने जितनी भी बकवास करी है अपनी, एक मिनट की दो मिनट की जितनी भी देर की बकवास करी है, वो सब झूठ थी। अब क्या करूँ, कुछ सूझ ही नहीं रहा था तो, और कुछ ज़्यादा नहीं है अभी, मेरी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए मेरे घर वाले कुछ नहीं करा रहे मुझसे, बस लेटने को या बैठने के लिए मिल रहा है। नहीं तो जब मेरी जैसी तबीयत ठीक होगी वैसी मेरे घर वाले जितनी ज़्यादा मजदूरी कराएंगे सारी कसर निकाल लेंगे मेरी। क्या बताऊँ, मुझे तो आगे का सोच के अपना डर लग रहा है, मेरी जब तबीयत ख़राब वो ठीक होगी तो मेरे साथ क्या होगा। मुँह छुपाने लायक नहीं रही, दो महीने हो चुके हैं मुझे पूरी तबीयत ख़राब हुए हुए, ठीक ही नहीं हो रही। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे बाहर निकाल दिया घर से, और मेरे पापा देखो वहाँ खड़े हैं, ये देखो कैसे देख रहे हैं मुझे, फुल इग्नोर मार देते हैं बाहर। देखो मेरे पापा भी बाहर खड़े हुए थे, बाहर मुझे फुल इग्नोर मार दिया था, ये देखो कैसे देख देख के हंस रहे हैं। सब चलते हैं अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन पे देने के लिए, चलो चलते हैं। तो हम बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं हम ड्राई क्लीन पे कपड़े देने के लिए। ये रहे हमारे कपड़े, मम्मी ने पूरा भूसा मिला करके इसको दे दिया है, चलो चलते हैं। अब हम आ चुके हैं ड्राई क्लीन के कपड़े देने के लिए। अभी हमने थाला तो अपना दे दिया है भैया को, अभी वो देख रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस तो अभी हम लोग दे चुके हैं अपने ड्रेस ड्राई क्लीन पे, उसके हमें स्लिप मिल चुकी है, हमें मिलेगी 4 तारीख को, लेने के लिए आना पड़ेगा। अब चलो वापस जा रहे हैं घर पर, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही है बाहर, चलो चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं घर वापस, तो अब देखते हैं अब क्या करना है, क्योंकि आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बोरिंग जा रहा है यार, छह ही नहीं करने के लिए।
पापा गए हुए हैं बाहर, बहुत देर हो चुकी, घर ही नहीं आए। देखते हैं क्या करना है। गाइस आज का दिन तो बहुत ही बेकार गया मेरा, सच बोरिंग डे। और फिर मैं अभी वहाँ से आकर के ड्राई क्लीन पे कपड़े देने के बाद आके सो गई थी, तो फिर ठंड भी यार बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, आपसे मिलते हैं आप कल। और मेरी वीडियो अच्छी लगे या ना लगे लाइक करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है ज़्यादा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ कल, बाय बाय।